और इस वक्त लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव है, आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं जहां पर सिंचाई विभाग की कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। हमारी प्रेरणा स्रोत योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अपनी कृषकोन्मुख नीति के अंतर्गत सुलझाने का प्रण किया गया। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा एवं माननीय जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के इतिहास में पहली बार नहरों के क्षतिग्रस्त पर टूटे पुल पुलियों की मरम्मत पुनर्निर्माण एवं आवश्यकता अनुसार नए पुलों के निर्माण हेतु ₹300 करोड़ की व्यवस्था की गई। पुल पुलियों की मरम्मत पुनर्निर्माण एवं नवनिर्माण एक महाभियान के रूप में पूरे प्रदेश में संचालित किया जाएगा। इस महाभियान के प्रेरणा स्रोत उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमियों द्वारा अपनी कृषि और कृषकोन्मुख नीतियों के अंतर्गत माननीय जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह एवं माननीय सिंचाई एवं जल संसाधन राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह औलख जी की गरिमामयी उपस्थिति में इस महाभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। महाभियान में प्रदेश के जनपदों में नहरों पर स्थित क्षतिग्रस्त 25,050 पुल पुलियों की मरम्मत पुनर्निर्माण एवं नवनिर्माण नवीन तकनीकों का उपयोग करते हुए किया जाएगा। इस अभियान से लगभग 42,000 ग्रामों के कृषकों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, जिससे आम जन को आवागमन की सुविधा के साथ साथ कृषकों को अपने खेत खलिहान तक पहुंचने में आसानी होगी तथा वे अपने कृषि उत्पादों को मंडियों व बाजारों तक भी आसानी से पहुंचा सकेंगे, जिससे कृषकों की आर्थिक समृद्धि में विशेष योगदान प्राप्त होगा। सुगम हो गए खेत खलिहान, दूरी घटी, राह आसान, इसी संदेश के साथ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, माननीय जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह एवं माननीय राज्य मंत्री सिंचाई एवं जल संसाधन श्री बलदेव सिंह औलख जी का कोटि कोटि धन्यवाद। आज के इस पुलियों पुल और पुलियों के जीर्णोद्धार पुनर्निर्माण और नवनिर्माण के महाभियान के शुभ अवसर पर, जिनकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है और हमारा उत्तर प्रदेश बदल रहा है और तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, आज के इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय मुख्यमंत्री हम सब लोगों के प्रेरणा स्रोत लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे राज्य मंत्री आदरणीय बलदेव औलख जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे एसीएस इरिगेशन मुख्य सचिव मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव सिंचाई और सभी हमारे अधिकारीगण, जिले जिले में जुड़े हुए हमारे सभी आदरणीय मंत्रीगण, विधायक, सांसद और सभी अधिकारीगण, मुझको बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है माननीय मुख्यमंत्री जी कि आपने जब बुला करके हमको कहा कि इन पुल पुलियों के निर्माण होने चाहिए, और एक बात और आपने निर्देशित किया था जब मैं ग्राम विकास मंत्री था तब भी आपने कहा था कि बिना किसी भेदभाव के सबका काम कैसे हो और पूरे उत्तर प्रदेश का कैसे चतुर्दिक विकास हो इसका ध्यान रखना है। हम लोगों ने उस तरीके का उसको मंत्र मान करके और आपके आदेशों और निर्देशों के अनुसार आपने कहा कि कोई भी विधायक हो, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, संपूर्ण उत्तर प्रदेश अपना है और हर व्यक्ति को सुविधा मिलनी चाहिए। इसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने एक बृहद कार्य योजना आपके निर्देशानुसार बनाई और आपके आशीर्वाद से, आपकी प्रेरणा से जो आपने इसमें बजट में प्रावधान किया कि उत्तर प्रदेश के सभी टूटी पुल पुलिया का हम जीर्णोद्धार भी करेंगे, पुनर्निर्माण भी करेंगे और नवनिर्माण भी करेंगे। जैसा कि अभी आपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा कि बहुत सारे पुल पुलिया आज से 100 साल पहले बनाए गए थे, जो पैदल चलने के लिए पतला सा सकरा सा रास्ता दिया गया था गांव में, धीरे धीरे प्रगति के आधार पर, औद्योगिक विकास के आधार पर और सब चीज़ों के वाहनों के बढ़ने के कारण से अब हमारे पास ट्रैक्टर ले जाने के लिए गांव में, खेतों तक ट्रैक्टर पहुंचाने के लिए, अपनी उपज तक मार्केट तक पहुंचाने के लिए किसानों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ बहुत सारी पुल पुलियाँ बरसों से टूटी हुई हैं, किसी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में कुल 74,669 किलोमीटर नहरें हैं और उसमें से 10,000 हमारी जो नहरों की संख्या है माननीय मुख्यमंत्री जी, और इसके साथ साथ 34,401 नलकूप और
278 हमारे पंप कैनाल है। हम लोगों ने इसमें पंप कैनाल और नहर दोनों को, कैनाल और पंप कैनाल दोनों को समायोजित किया है। अगर पंप कैनाल के भी कोई भी पुल पुलिया क्षतिग्रस्त हुई है और यहाँ पर भी कोई पुल पुलिया नहरों पर क्षतिग्रस्त हुई है, उन सारी पुल पुलियों को लिया। इसके अलावा जहाँ बहुत आवश्यकता थी कि पॉपुलेशन बढ़ा, गांव बढ़े, नहरों के किनारे लोगों ने बसावटें कर ली और आवागमन नहर क्रॉस करने का कोई साधन नहीं है, लोगों ने जगह जगह पाइप डाल दिया नहरों के अंदर, जिससे बड़ा अवरोध पानी का उत्पन्न हुआ और नहर का पानी टेल तक ले जाने में बहुत सारी दिक्कतें होने लगी। लेकिन गांव के ग्रामीण लोग अपनी सुविधा के अनुसार से अपना रास्ता उन्होंने बनाया, उसको भी ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने उसका भी समायोजन इसमें किया। एक पुल पुलिया के निर्माण के लिए मैंने पिछले 2 सालों में देखा है आदरणीय मुख्यमंत्री जी कि बहुत सारे विधायकगण पत्र लेकर के साल साल भर के मेरी एक पुलिया बनवा दीजिए, लेकिन आपका आशीर्वाद और आपकी प्रेरणा से मैंने एक पत्र, जब आपने हमको निर्देशित किया, आदेशित किया, तो मैंने सभी विधायकों को और सांसदों को पत्र लिखा कि आपके क्षेत्र में जितनी पुल पुलिया टूटी हों या सक्रिय हों, चौड़ीकरण करना हो या पुनर्निर्माण करना हो, जीर्णोद्धार कराना हो या नया बनाना हो, ऐसे सबका प्रस्ताव आप लोग सम्मिलित करिए। और मुझको बताते खुशी हो रही कि कुल हमारे उत्तर प्रदेश में जो लगभग 70,000 पुल पुलिया हैं, नई और पुराने मिलाकर के कुल 34,000 पुल पुलिया का प्रस्ताव हमको प्राप्त हुआ। उसमें प्राथमिकता तय करते हुए जिन पुल पुलियों की नितांत आवश्यकता तत्काल काम करने की है, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको सबको आपके निर्देशानुसार हम लोगों ने इसमें समायोजित किया। और आज एक बहुत बड़ा दिन उत्तर प्रदेश के लिए है कि क्रांतिकारी परिवर्तन, उत्तर प्रदेश के 70 जिलों में 5 जिले केवल वो छूट रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की, जो सरयू परियोजना और मध्य गंगा परियोजना से आच्छादित हैं। उनके अलावा पूरा उत्तर प्रदेश हम लोगों ने इसमें समाहित किया है। और इसके साथ साथ बड़ी बात है कि हमारे उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा में से शहरी विधानसभाओं को छोड़ करके जो हमारी 42 विधानसभा ऐसी हैं जो शहर और जहां नहर नहीं है, और 37 विधानसभा ऐसी हैं जिसमें कि अभी मध्य गंगा और सरयू की परियोजना बन रही है, इनके अलावा सभी विधानसभाओं को हम लोगों ने इसमें समायोजित किया है। तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन आपके आशीर्वाद और आपकी प्रेरणा से हो रहा है, और जिसका हम सब लोगों ने बहुत बृहद स्तर पर तैयारी किया है। आपने निर्देशित किया था कि कोई छूटने न पाए, उसका पूरी तरीके से अनुपालन हम लोगों ने किया है। मैं समझता हूं कि यह किसानों के हित में, उनकी उपज को, उनके बाकी चीज़ों को हम लोग उनके खेत तक और खेत से लेकर बाजार तक पहुंचाने में बड़ी सुगमता होगी और पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपने देखा कि 42,000 ग्राम पंचायतें इसमें समाहित हो रही हैं, जिसके आवागमन में बड़ी सुविधा प्राप्त होगी। आप लाइव ये संबोधन सुन रहे थे जल शक्ति मंत्री का, डॉक्टर महेंद्र सिंह, जिन्होंने इस बात का जिक्र किया कि सिंचाई विभाग के कई परियोजनाओं का जो शिलान्यास और लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जा रहा है, दरअसल ये सहायता किसानों के लिए होगी ताकि वो इससे लाभान्वित हो सके।